दोस्तों, मैं मनोज आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, यह COVID-19 पैंडमिक यानी महामारी बनते जा रही है और लग रहा है, मेरे को तो लगता है कि हर आदमी इस फ्लू से प्रभावित होगा, चाहे वह मरे या ना मरे, लेकिन हर आदमी इस फ्लू से प्रभावित होकर ही यानी कि फ्लू से गुजरना ही पड़ेगा, इस तरह का अंदाज हो रहा है। लेकिन जो भी हो, आज 14 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी 10 बजे सुबह लाइव आए थे और उन्होंने 24 मिनट का अपना कोटेशन, अपना भाषण दिया। उसमें बहुत कुछ प्रधानमंत्री जी ने बोल गए, यह कड़ी शक्ति के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में बहुत कुछ बोल गए। तो दोस्तों, यह जो लॉकडाउन पीरियड है उन्होंने बढ़ा दिए हैं और लॉकडाउन पीरियड कर दिए हैं 3 मई तक। ये पीरियड बढ़ा के 3 मई तक कर दिए गए हैं। 3 मई यानी 15 अप्रैल से 3 मई तक 19 दिन यह लॉकडाउन पीरियड बढ़ा दिया गया है और इसमें सख्ती के साथ पेश आने के लिए पुलिस को कहा गया है ताकि बाहर कोई नहीं निकले और यह ज़्यादा से ज़्यादा फैले नहीं। इसलिए आपको हिदायत है, आपसे गुजारिश है कि आप घर पर ही रहिए और इसे फैलने से रोकिए। दोस्तों, 1 मिनट में जान लेते हैं वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में इस फ्लू का इफेक्ट कितना हुआ है। तो दोस्तों, टोटल इन्फेक्टेड लोगों की संख्या है 19,26,305, जबकि सैडली जिनका डेथ हो गया है वह है 1,19,732 और जो रिकवर्ड हो गया है वह है 4,52,614 और जो केस क्लोज हो गए हैं, मीन्स जो केस क्लोज हो गए हैं, मीन्स जो डेथ हो गया है और जो रिकवर हो गए हैं वह केस क्लोज हो गया है वह 5,72,346 और जो केस एक्टिव है, करंटली में जो केस एक्टिव है, जो केस एक्टिव इन्फेक्टेड लोग हैं वह 30,53,959। ये तो थे वर्ल्ड वाइड। लेकिन जान लेते हैं टॉप मोस्ट 5 कंट्री का, कौन से टॉप मोस्ट 5 कंट्री कौन से हैं जो इस फ्लू से सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड है। तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सबसे पहले नंबर पर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड है। यहाँ पे इन्फेक्टेड लोगों की संख्या है 5,87,173 और सैडली जिनका डेथ हो गया है वह है 23,644। जी हाँ दोस्तों, 23,644 लोगों का डेथ हो गया। ये सबसे मैक्सिमम डेथ यहाँ पे पहुँच गया है, जबकि पहले इटली था, इटली को क्रॉस करके यूएसए नंबर 1 पे हो गया है और सबसे ज़्यादा डेथ यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे दफनाने के लिए भी प्रॉब्लम आ रहा है, एक के ऊपर एक दफनाने के बॉक्स, एक के ऊपर एक रख के लोगों को दफनाया जा रहा है, इतना प्रॉब्लम हो गया है। दोस्तों, इस पे एक ही सोल्यूशन है कि आप घर पे ही रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, नहीं तो बहुत मुश्किल या बहुत बुरे कंडीशन में हम आ सकते हैं। सेकेंड नंबर पर स्पेन है, थर्ड नंबर पर इटली, फोर्थ नंबर पर फ्रांस और फिफ्थ नंबर पर जर्मनी है। जान लेते हैं हमारे इंडिया, हमारे भारत का क्या कंडीशन है। तो भारत में अभी आज 14 अप्रैल को टोटल इन्फेक्टेड लोगों की संख्या हो गई है 10,541 और सैडली जिनका डेथ हो गया वह है 358 और जो रिकवर हो गए हैं वह है 1,205 और जो करंट एक्टिव केस है अभी वह है 8,978। हाँ दोस्तों, 8,978 करंट एक्टिव है, मतलब हमारे इंडिया में 10,000 तक फैल पहुँच चुका है। तो यह बढ़ते टाइम नहीं लगेगा, इसके लिए आपको घर पे ही रहना पड़ेगा, अनुशासित होना पड़ेगा, एक लक्ष्मण रेखा बना लेनी पड़ेगी, तभी इस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल में हम जा सकते हैं दोस्तों, बहुत। तो जो प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ बातें कही हैं, उसमें से कही है कि 3 मई तक देश लॉकडाउन यानी लॉक इन में रहेगा, इसलिए यह बहुत ज़रूरी है, करना बहुत ज़रूरी है और सभी मुख्यमंत्रियों का सुझाव भी यही था। 3 मई के बाद ही देखा जाएगा कि आगे क्या करना है, लेकिन 3 मई तक फिलहाल लॉकडाउन में रहेगा। अगर इसमें बहुत कुछ मॉनिटरिंग किया जाएगा, मतलब कि जिला, कस्बा, थाना, इसमें हर जगह देखा जाएगा कि लोग इस लॉकडाउन का पालन कितना कर रहे हैं। अगर केसेस कम हुए, यानी इस फ्लू के केसेस जिस जगह पे या जिस जिले में कम हुए, तो वहाँ पे थोड़ा रियायत दिए जाएगी, थोड़ा घूमने के लिए या ऑफिस ऑफिस चालू करने के लिए, नहीं तो अगर केसेस बढ़ते रहे तो और सख्त होना पड़ेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी और इसको टाइट कर देंगे और फिर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा घर से। सबको घर पे ही जो भी जरूरी की चीज़ है, जरूरी के सामान है, वह सबको घर पे ही दिया जाएगा। दोस्तों, यह बात आप ध्यान लीजिए, इसलिए लॉक इन हो जाइए घर में, अपने आप को रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, लोगों की ज़िंदगी बचाइए। दोस्तों, लॉकडाउन में प्रधानमंत्री जी जोर देते हुए कहें कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखें, सोशल डिस्टेंस पालन करना बहुत ज़रूरी हो गया है, इसी से हम इस रोग का, यही एक दवा है, दवा तो अभी तक इसका, दवा का खोज नहीं हुआ, लेकिन सोशल डिस्टेंस इसका सबसे बड़ा दवा है और मास्क लगा के ही बाहर निकले, यह जोर देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि उन्होंने इस लॉकडाउन को
लॉकडाउन को इंडिया में इंप्लीमेंट करते हुए करने में देर नहीं लगाई। जैसे ही 550 केस भारत में हुए, तभी से ही उन्होंने सभी फ्लाइटें, सभी यातायात साधन बंद कर दिए और इंडिया में लॉकडाउन घोषित कर दिए थे 21 दिन का। तो उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया कि हमें बहुत जल्दी ही इंडिया में लॉकडाउन जल्दी घोषित कर दे, इसलिए इसका परिणाम है कि अभी आज हमारे आंकड़े नतीजे कम, इन्फेक्टेड लोगों की संख्या कम है। और माननीय प्रधानमंत्री ने हिदायत दी है कि हर दिन गर्म पानी के काढ़ा बनाकर पिए, पानी का काढ़ा बनाकर ही पिए। और घर में जो बुजुर्ग लोग हैं, माँ बाप है और दादा दादी हैं, उन्हें घर से बाहर ना जाने दें, घर में ही रखें ताकि सेफ और सुरक्षित रह सकें। दोस्तों, यह कुछ पॉइंट थे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज 10 बजे डिस्कस किए। अब तो लॉकडाउन पीरियड बढ़ गया है 3 मई तक, तो देखिए कि 3 मई तक हमारे केसेस कम होते हैं कि नहीं। अगर कम नहीं होते हैं 3 मई तक हमारे केसेस, या इन्फेक्टेड लोग अगर बढ़ते जा रहे हैं, हॉटस्पॉट बढ़ते जा रही है अगर देश में, तो इसको और बढ़ाने की ज़रूरत हो जाएगी। दोस्तों, यह लॉकडाउन पीरियड और बढ़ाना, इसके सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है। तो इस मेरी आपसे प्रार्थना, हिदायत है कि आप घर पे ही रहिए और सुरक्षित रहिए। इस टॉपिक में इतना ही, फिर मिलेंगे कल अगले टॉपिक में। तब तक ले, बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।